लेकिन मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में हार क्यों जाते हैं, इसकी पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि उनके अंदर एक डर होता है कि शायद मैं फेल ना हो जाऊं। आप लोग भयभीत होते हैं कि शायद जिंदगी में मैं कामयाब ना हो पाऊं। हर एक इंसान रिस्क लेने से डरता है कि कहीं ये 16,000 लगाने के बाद कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। हर एक इंसान डरता रहता है कि कहीं मेरी नौकरी चल रही है, कुछ अलग से कर लूंगा तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। कोई डरता रहता है कि मेरी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन जिंदगी के अंदर यदि कामयाब होना है तो जिंदगी की पहली सीख मैं आपको देना चाहूंगा कि आपको निडर बनना पड़ेगा, निडरता के साथ काम करना पड़ेगा। और इस निडरता को दूर किया जाता है आत्मविश्वास से। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए तो आप दुनिया की कोई भी कामयाबी हासिल कर सकते हो। और ये महज मैं शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, सो कॉल्ड वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अचानक से क्या होता है कि उसका बिजनेस डाउन हो जाता है। अमेरिका में रिसेशन आता है, उसका बिजनेस डाउन हो जाता है, वो अचानक से हीरो से जीरो बन जाता है। होता क्या है, वो दिवालिया हो जाता है, सुसाइड करने जाता है। एक पार्क में बैठा होता है, अचानक एक व्यक्ति उसको दुखी देखता है, एक बुजुर्ग इंसान 70-75 वर्ष का इंसान उसके पास में आता है, बोलता है बेटा दुखी क्यों हूं उस बिजनेसमैन से। तो बुजुर्ग इंसान कुछ बोल नहीं पाता, बस इतना कहता है कि मैं अपनी परिस्थितियों से हार चुका हूं, मैं सरेंडर करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे बिजनेस में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है और मुझे बिजनेस को शुरू करने के लिए 10,00,000 रुपए की आवश्यकता है और जो कि मेरी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। तो उस इंसान ने क्या किया, उस इंसान ने कहा कि तुमने अपना बिजनेस खुद खड़ा किया था, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम फिर कर दिखाओगे। और उसको एक 50,00,000 रुपए का चेक काट कर दे दिया। उस 50,00,000 रुपए का चेक पाने के बाद वो इंसान मन ही मन सोचता रहा कि एक अनजान इंसान जो मुझे अभी जानता भी नहीं है, यदि ये मुझ पे इतना विश्वास दिखा सकता है तो मैं अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहा हूं, मुझे अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं है। अब उसके अंदर से डर खत्म होता है क्योंकि उसके अंदर एक बैकअप होता है। और लेकिन जब उसने 50,00,000 रुपए का चेक लिया, उसने मन में कमिटमेंट लिया कि मैं इस 50,00,000 रुपए के चेक को खर्च नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अंदर विश्वास आ चुका है, आत्मविश्वास डेवलप हो चुका है। और इस कमिटमेंट के साथ वो आगे बढ़ता, कहता है अब डरूंगा नहीं, और बिजनेस में दोबारा से रिस्क लेता है, दोबारा से काम करना स्टार्ट करता है। अचानक से उसकी परिस्थिति बदलते वो पुराने फॉर्म में आ जाता है और अमेरिका के अमीर बिजनेसमैन के रूप में वो शुमार हो जता है। कुछ सालों बाद, 4-5 साल बाद वापस उस पार्क में वो जाता है उस अमीर इंसान का चेक वापस करने। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, वो जो चेकबुक थी उसमें जो सिग्नेचर थे उसने देखा तो उसमें थे जॉन रॉकफेलर के, जो कि अमेरिका के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे, उसके सिग्नेचर थे। अब जॉन रॉकफेलर की तलाश में वो पहुंच जाता है पार्क में वापस से, और अब उसको वो बुजुर्ग इंसान दिखाई देता है और जाता है, उनको थैंक यू बोलता है, थैंक यू सर, आपने मेरे बुरे वक्त में मदद करी, आपके इस चेक का यूज तो मैंने नहीं किया लेकिन इस चेक ने मुझे बड़ी ताकत दी, बहुत ज्यादा ताकत दी और मैं वापस स्टैंड कर गया यहां पे। इतने में पागल खाने से कुछ लोग दौड़ते हुए आए, और उस आदमी को जिसको जॉन रॉकफेलर कह रहा था उसको पकड़ लिया। वो पागल खाने के लोगों से वो इंसान बोलता है, वो उद्योगपति, वो बिजनेसमैन बोलता है, अरे इनको क्यों पकड़ रहे हो, ये तो जॉन रॉकफेलर हैं। तो बोलता है वो पागल खाने से आया हुआ इंसान कि शायद आप किसी गलत फहमी का शिकार हुए हैं, ये जो इंसान है ये जॉन रॉकफेलर नहीं है, ये तो महापागल आदमी इंसान है और ये अपने आप को जॉन रॉकफेलर समझता है और जो आता है उसको चेक बांटता रहता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, यदि एक सिर्फ झूठे विश्वास के दम पे, यदि एक छोटे से एक नकली चेक के नाम पे एक इंसान अपना बिजनेस खुद स्टैंड कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने डर को हरा के और आत्मविश्वास के दम पे यकीनन आप इस शहर के सबसे अमीर इंसान जरूर बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं।